नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल बुलेटिन खबरों की खिलाड़ी। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। नमस्कार, दिन की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शालिनी कपूर तिवारी। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के खबर के साथ, जहां आतंकी एक बार फिर से अमन चैन के माहौल को खराब करने की साजिश में जुट गए। देर रात आतंकियों ने SPO के पूरे परिवार को गोलियों से भून दिया। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में अमन चैन की सुगबुगाहट के बाद एक बार फिर से आतंकी बौखला गए हैं और इसमें बाधा डालने के लिए आतंकी साजिश रच रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में आतंकियों की एक बार फिर नापाक हरकत सामने आई है। आतंकियों ने इस बार एक SPO के परिवार को निशाना बनाया है। आतंकियों ने SPO फैयाज अहमद के घर पर हमला किया। आतंकियों की गोलीबारी में SPO फैयाज अहमद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इससे पहले रविवार को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 आतंकियों को 5-5 किलोग्राम IED के साथ गिरफ्तार किया था। दोनों आतंकियों से पूछताछ जारी है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकी जम्मू कश्मीर में अमन चैन कायम नहीं होने देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। NIA ने जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर हुए हमले की जांच शुरू कर दी है। देखिए पूरी खबर एक मिनट। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में रविवार को हुए धमाके की जांच के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स NSG की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। इससे पहले NIA की टीम भी जांच के लिए यहां पहुंची थी। इस मामले में NIA ने 2 संदिग्धों को जम्मू के बेलीचारना इलाके से हिरासत में लिया है। इन पर आतंकी संगठनों की मदद का आरोप है। वहीं जम्मू पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानते हुए केस दर्ज किया है। सूत्रों के मुताबिक ब्लास्ट के लिए 2 अलग अलग ड्रोन का इस्तेमाल हुआ था। शुरुआती जांच में ये बात भी सामने आई है कि एयरफोर्स स्टेशन के 5 किलोमीटर के दायरे से ड्रोन को ऑपरेट किया गया था। इस बात की भी जांच हो रही है कि कहीं एयरबेस पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पार से तो नहीं हुआ। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि एयरफोर्स स्टेशन से पाकिस्तान की सीमा सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। शनिवार को आधी रात के बाद जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से 2 बम गिराए गए थे। दोनों धमाके बेहद कम तीव्रता के थे और इससे कोई खास नुकसान नहीं हुआ। सिर्फ एयरबेस के टेक्निकल एरिया की एक बिल्डिंग को मामूली नुकसान पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के निशाने पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की बिल्डिंग और एयरबेस पर खड़े MI-17 लड़ाकू हेलीकॉप्टर थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जम्मू कश्मीर में भी आतंक है और वहीं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में रोहिंग्याओं का आतंक सामने आ रहा है। रोहिंग्या की धमकी, मारपीट और छेड़छाड़ से परेशान अब हिंदू परिवार ने घर बिकाऊ का बोर्ड लगा दिया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के लोनी में रोहिंग्या मुस्लिमों का आतंक सामने आया है। अवैध तरीके से बसे रोहिंग्या अब हिंदू परिवारों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। गाजियाबाद के लोनी में रोहिंग्याओं के आतंक के चलते कई हिंदू परिवार घर छोड़ने को मजबूर हैं। घरों के बाहर घर बिकाऊ है के बोर्ड लग गए हैं। रोहिंग्या आए दिन हिंदू परिवारों के साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं, सड़क चलते माँ बेटियों को रोहिंग्या सरेआम छेड़खानी भी करते हैं। रोहिंग्याओं के अत्याचार और प्रशासन की सुस्ती के चलते अब लोनी में रह रहे हिंदू परिवारों ने घर बेचने का फैसला कर लिया है। बता दें कि योगी सरकार UP में अवैध तरीके से रह रहे रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। अब तक 15 घुसपैठियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हाल ही में गाजियाबाद से ही UP ATS ने 2 रोहिंग्या मुस्लिमों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आमिर हुसैन और नूर आलम ने खुद ही खुलासा किया था कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्या मुसलमानों को यूपी में बसाया जा रहा है, उनके फर्जी दस्तावेज तैयार किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजियाबाद का लोनी इलाका देर रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सुबह जब लोगों की नींद खुली तो सबके होश उड़ गए। यूपी के गाजियाबाद जिले के लोनी थाना क्षेत्र का दोली मोहल्ला देर रात गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। देर रात बदमाशों ने डकैती के इरादे से कपड़ा व्यापारी रियाज उर्फ रियाजुद्दीन के घर पर धावा बोल दिया। परिवार ने जब लूटपाट का विरोध किया तो बदमाशों ने खूनी खेल शुरू कर दिया और एक के बाद एक परिवार के 4 लोगों को गोलियों से भून दिया। गोली लगने से कपड़ा व्यापारी रियाज और उसके 2 बेटों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। 3 लोगों की मृत्यु हो गई है और एक महिला घायल है जो उपचाराधीन है। अभी प्रथम दृष्टया लूटपाट के कोई हमें सुराग नहीं मिले हैं। रियाज अपने घर के बाहर ही कपड़े की दुकान चलाते हैं और बदमाशों ने देर रात मिलने के बहाने से उन्हें घर के बाहर बुलाया और फिर बंधक बनाकर लूटपाट शुरू कर दी। रियाज ने जब इसका विरोध किया तो डकैतों ने उन्हें गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर आए 2 बेटों ने जब बदमाशों को रोकने की कोशिश की तो डकैतों ने उन पर भी फायरिंग कर दी। इतना ही नहीं, रियाज की पत्नी को भी बदमाशों ने नहीं छोड़ा। गाजियाबाद में बदमाशों के बढ़ते आतंक को लेकर लोगों में बेहद असंतोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
उधर लव जिहादियों की नजर अब सिख युवतियों पर पड़ गई है। श्रीनगर में अपहरण के बाद जबरन धर्मांतरण और फिर निकाह के बाद सिख समुदाय अब गुस्से में। रिपोर्ट देखिए। लव जिहाद की आग से जम्मू कश्मीर भी अछूता नहीं है। कश्मीर की सिख बेटियां इन दिनों लव जिहादी गैंग के निशाने पर हैं। माँ बाप के सामने सिख बेटियों के साथ तालिबानियों जैसा जुल्म हो रहा है। लव जिहादियों ने उन्हें सिख बेटियों को माँ बाप के सामने ही अपहरण कर लिया और जबरन धर्म परिवर्तन कराकर उनके साथ निकाह भी कर लिया। अपहरण और फिर धर्मांतरण कर निकाह की खबर के बाद सिख समुदाय के लोग बेहद गुस्से में। सिख समुदाय के विरोध के बाद एक बेटी को तो वापस माता पिता को सौंप दिया गया, जबकि दूसरी लड़की अभी भी आरोपियों के पास ही है। घाटी में सिख बेटियों पर हो रहे जुल्मों का अब देश भर में विरोध शुरू हो गया है। सिख बेटी को इंसाफ दिलाने की आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। दिल्ली में आज सिख समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए DSGMC की एक टीम श्रीनगर पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से भी सिख बेटियों की सुरक्षा की गुहार लगाई गई है। सिख समुदाय ने लव जिहाद के खिलाफ UP जैसे सख्त कानून बनाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में लव जिहादियों का गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो चुका है। लव जिहादियों के खिलाफ सख्त कानून बनाने के बाद अब लव जिहादी गैंग का धंधा जोर पर जो चल रहा था उस पर अब ब्रेक लगेगा। ये रिपोर्ट आप देखिए। यूपी में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून के बाद भी लव जिहाद के गैंग के हौसले बुलंद है। लखनऊ से सटे बाराबंकी में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक अब्दुल वहाब नाम का मुस्लिम युवक देशराज बनकर हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर शादी कर ली। लव जिहादी के मुस्लिम होने का खुलासा उसके मैरिज रजिस्ट्रेशन से हुआ, जिस पर उसका असली नाम अब्दुल वहाब उर्फ देशराज लिखा हुआ था। हिंदू लड़कियों को धोखा देकर प्यार करना और फिर धर्मांतरण और उसके बाद उनसे शादी करना अब्दुल का पेशा था। अब्दुल अब तक 3 शादियां कर चुका है। हालांकि मामले का खुलासा होने के बाद अब लव जिहादी अब्दुल पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं यूपी के फतेहपुर में भी धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां इस्लाम कबूल कर चुका पति ही पत्नी पर जबरन धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यूपी के मुजफ्फरनगर के खतौली में भी लव जिहाद का मामला सामने आया है। नाम बदलकर उस्मान नाम के शख्स ने पहले हिंदू लड़की को फंसाया, इसके बाद उसके साथ बलात्कार किया और फिर जबरन धर्म परिवर्तन कर निकाह करने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, युवती ने 2 लाख रुपए ऐंठने का भी आरोप लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के समाजवादी पार्टी के नेता अब बौखला गए। जनसंख्या को लेकर के शफीकुर रहमान के बाद अब संबल के विधायक ने भी दलित और आदिवासियों को लेकर के विवादित बयान दिया है। यूपी सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए 2 बच्चों की कानून लाने की तैयारी में है, लेकिन इस कानून से सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के नेता बौखलाए हुए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद अब संभल से SP विधायक नवाब इकबाल महमूद ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर विवादित बयान दिया है। नवाब इकबाल ने जनसंख्या बढ़ोतरी के लिए आदिवासी और दलितों को जिम्मेदार ठहराया है। वो आदिवासियों के यहाँ बढ़ रही है, मुसलमानों में नहीं बढ़ रही इतनी आबादी। मुसलमान तो हर होशमंद आदमी समझ गया है कि 2-3 बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए। नवाब इकबाल महमूद साफ साफ कह रहे हैं कि मुस्लिमों से ज्यादा बच्चे दलित और आदिवासियों के होते हैं। इससे पहले संभल से ही समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान ने 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने को कुदरत की देन बताया था और कहा था कि इसमें रुकावट डालने का किसी को हक नहीं है। बता दें कि योगी सरकार जल्द ही यूपी में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने वाली है और यूपी विधि आयोग कानून का मसौदा तैयार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक नए कानून में 2 से ज्यादा बच्चों के माता पिता को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक में सीधवानी के लिए हैदराबाद वाले ओवैसी ने ताल ठोक दी है। 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर AIMIM ने खलबली मचा दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने से उत्साहित AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल में दांव खेला था। बंगाल में ओवैसी की दाल नहीं गली, लेकिन उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में पूरे दमखम के साथ 100 सीटों पर उतरने का ऐलान कर गैर BJP दलों के उसने होश उड़ा दिए हैं। पिछले दिनों ये खबर उड़ी कि ओवैसी की पार्टी BSP के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी, लेकिन मायावती ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ओवैसी ने भी गठबंधन को लेकर रुख साफ कर दिया। हमारा भी तो किसी से गठबंधन नहीं है, हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत कि हम MIM पार्टी
आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। यूपी के 20% मुस्लिम वोटों पर दावेदारी के लिए समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस के बीच आपसी दंगल है, तो अब यहां ओवैसी ने उतरकर अल्पसंख्यक वोट बैंक में एक बड़ी दावेदारी पेश कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना की दूसरी लहर में बैंक्वेट हॉल की रौनक खत्म हो गई थी, लेकिन आज से यहाँ फिर से शहनाई बच पाएगी। जिम पर ताले लग गए थे, लेकिन आज से ताले ये भी खुल जाएंगे। कोरोना की दूसरी लहर में बैंक्वेट हॉल की रौनक खत्म हो गई थी, लेकिन आज से यहाँ फिर से शहनाई बच सकेगी। जिम पर ताले लग गए थे, लेकिन आज से ये ताले भी खुल गए हैं और सेहत के शौकीनों को बड़ी राहत मिल गई है। अनलॉक 5 में बैंक्वेट हॉल सिर्फ शादी समारोह के लिए खुल सकेंगे, लेकिन 50 लोगों के ही जुटने की इजाजत है। मैरिज हॉल भी आज से खुल सकेंगे और यहां भी शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोग नहीं जुट सकेंगे। होटलों में भी शादी समारोह आयोजित करने की छूट मिल गई है, लेकिन अधिकतम 50 लोगों की शर्त यहां भी रहेगी। अगर घर या कोर्ट में शादी कर रहे हैं तो वहां अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो पाएंगे। आज से जिम और योग सेंटर को खोलने की भी इजाजत मिल गई है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ ही इन्हें खोला जा सकेगा। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, थिएटर, मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल वगैरह अभी बंद ही रहेंगे। मॉल, बाजार, रेस्टोरेंट पहले ही खुल चुके हैं। भले ही लॉकडाउन में लगातार रियायतें मिल रही हैं, लेकिन लापरवाही बरतने से बचना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना से बच्चों को बचाने के लिए वैक्सीन का ट्रायल जोरों पर चल रहा है। आज से दिल्ली के एम्स में 2 से 6 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर आने की जो संभावना जताई जा रही है, उसमें बच्चों पर ज्यादा असर होने की आशंका है, और उससे पहले ही बच्चों को कोरोना महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन बाजार में उतारने की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में देश के 3 अस्पतालों में बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इसी कड़ी में आज दिल्ली के एम्स में 2 से 6 साल के बच्चों पर क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो रहा है। ये ट्रायल गुरुवार को ही होना था, लेकिन तैयारियां पूरी न होने पर आज इसकी शुरुआत हो रही है। एम्स दिल्ली में ट्रायल में शामिल बच्चों को भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन की डोज लगाई जाएगी। एम्स दिल्ली में बच्चों को 3 ग्रुप में बांटकर कोवैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल किया जा रहा है। 8 से 12 और 12 से 18 साल के बच्चों को ट्रायल के तहत कोवैक्सीन की डोज पहले ही दी जा चुकी है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि जायडस कैडिला कंपनी की वैक्सीन जल्द ही देश में 12 से 18 साल के बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। भारत बायोटेक की वैक्सीन बच्चों के लिए इस साल के अंत तक आ जाने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी भी नहीं थी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट ने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के आतंक को देखते हुए उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट है। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक से पहले जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस बढ़ते जा रहे हैं, उससे देश के 1/3 से ज्यादा राज्य दहशत में है। देश में डेल्टा प्लस के 50 से ज्यादा केस आ चुके हैं और 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के आतंक को देखते हुए केंद्र सरकार ने 12 राज्यों में पहले से ही अलर्ट जारी कर रखा है। इनमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, पंजाब, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और कर्नाटक शामिल हैं। केंद्र ने यूपी को खास तौर पर अलर्ट तो नहीं किया है, लेकिन एहतियातन यहां भी डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर खास सतर्कता बरती जा रही है। डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार अपने रूप बदल रहा है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। छोटी छोटी बातों पर दिल्ली वाले आपक होने लगते हैं, जो मारपीट और झगड़े की वजह बन रहे हैं। दिल्ली के पालन से ऐसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। छोटी छोटी बातों पर दिल्ली अब आपक होने लगी है। सब्र का दायरा लांघ बेसब्र होते लोगों का गुस्सा लड़ाई झगड़े की वजह बन रहा है। जरा देखिए ये तस्वीरें। पालम इलाके की 7 कॉलोनी के 18 जून की एक सीसीटीवी फुटेज में दिल्ली वालों के गुस्से की ऐसी ही तस्वीरें कैद हुई है। शाम 5 बजे की इस वीडियो में एक बाइक सवार लड़के को मामूली बात पर 2-3 लोग मिलकर बुरी तरह से पीटते हुए दिख रहे हैं। दरअसल पीट रहे युवकों की बाइक सड़क पर खड़ी एक स्कूटी से टच हो गई थी। इसी के बाद स्कूटी मालिक मारपीट पर उतर आया।
सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि काली टी शर्ट पहने अनिकेत नाम के बाइक सवार लड़के की कैसे पिटाई हो रही है। अनिकेत के दूसरे साथी को भी पीटा जा रहा है। इस घटना में दिल्ली पुलिस पर भी लापरवाही बरतने के आरोप लग रहे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनके बेटे पर जानलेवा हमला किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस ने मामूली मारपीट की धारा में FIR दर्ज कर मामले को रफा दफा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी खबर के साथ कुछ देर के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। और राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है, और इस तस्वीर को देखने के बाद हम आपसे यही कहेंगे कि दिल्ली की सड़कों पर चलना, लेकिन जरा संभल कर। दिल्ली की सड़कों पर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हद से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो यमराज कहीं से भी आ सकते हैं। राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ में सड़क धंसने से एक बड़ी घटना सामने आई है, लेकिन गनीमत यह रही कि इस बड़े हादसे में सभी लोग बाल बाल बच गए। बीच सड़क पर चलते ट्रक के धंसने की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी में आप साफ साफ देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ट्रक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तभी अचानक सड़क धंस जाती है और ट्रक एक तरफ पलटने लगता है। सड़क के धंसते ही ट्रक एक कूड़े की गाड़ी पर पलट जाता है। गनीमत यह रही कि समय रहते ऑटो में सवार सभी लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। ये पूरी घटना रविवार दोपहर की है और सड़क धंसने के बाद ट्रक काफी देर तक फंसा रहा, जिसके चलते ट्रैफिक व्यवस्था भी काफी देर तक बाधित रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में नकलचियों की फौज से इमरान खान अब बेहद परेशान है। पाक प्रधानमंत्री ने फिल्मकारों से कहा है कि कब तक बॉलीवुड की नकल करोगे, कभी अपना रियल कंटेंट भी तो बनाओ। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री हिंदी सिनेमा की नकल करती है, ये जग जाहिर है, लेकिन अब इस हकीकत पर खुद प्रधानमंत्री इमरान खान ने मुहर लगा दी है। पाकिस्तान में जिस तरह से बॉलीवुड की फिल्मों को कॉपी करने और नकल करने का ट्रेंड चल रहा है, उससे इमरान खान बेहद दुखी नजर आए। उनका ये दुख दर्द निकल कर आया है इस्लामाबाद में आयोजित शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में, जहां उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर से शिकायती लहजे में कहा कि कभी तो ओरिजिनल फिल्में बनाओ, कब तक बॉलीवुड की नकल करते रहोगे। इमरान ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय फिल्मों की नकल करने से ही हमारी बेइज्जती होती है। हम इतने मुतासर थे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री से कि बेसिकली हमने उनको कॉपी करने शुरू कर दिया। जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री है, मैं ये चाहता हूं कि वो एक उनके अंदर एक ओरिजिनलिटी आए, अपनी नई सोच। दरअसल पाकिस्तान में हिंदी फिल्मों की बेहद डिमांड है, इसीलिए वहां के फिल्म मेकर्स बॉलीवुड की फिल्मों की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जिस पर इमरान खान को बेहद तकलीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी के साथ हमारे स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार 100 बड़ी खबरें आप देखेंगे मेरे और ब्रितिका के साथ। जुड़े रहिए जी हिंदुस्तान देखिए।